जॉनसना के फैन लखनऊ के 10 वर्षीय सौहार्ध श्रीवास्तव पिछले कई वर्षों से WWE चैंपियनशिप टीवी पर देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये ख्वाहिश थी कि किसी दिन वो भी WWE चैंपियन कहलाए और उनके हाथ में भी WWE का बेल्ट हो। एक अनुमान के अनुसार भारत में 42 मिलियन से भी ज्यादा फैंस WWE को पसंद करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर प्लैनेट एम ने दिसंबर के महीने में WWE चैंपियनशिप टाइटल के नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसी प्रतियोगिता को लखनऊ के सौहार्ध श्रीवास्तव ने जीता। जीत की खुशी सौहार्ध के चेहरे पर देखने लायक थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेल्ट को लेके और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ प्लैनेट एम को मुझे बेल्ट देने के लिए और WWE को बहुत पसंद करता हूँ। मैं एक दिन लखनऊ में हम लोग जा रहे थे एक मॉल में हम लोग प्लैनेटम का स्टोर देखा मैंने। मैं वहाँ पर कार्ड्स लेने जा रहा था तो जब मैंने वहाँ पर कार्ड्स खरीदे तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे फॉर्म भरवाया जो लकी ड्रॉ का था तो मैं लकी ड्रॉ से जीता। प्लैनेट एम के CEO संजय कारवा का मानना है कि वो बच्चों में भी एक एहसास जगाना चाहते हैं कि जो WWE चैंपियनशिप का बेल्ट बच्चे टीवी पर देखते हैं वो उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। ये इवेंट इसलिए रखा है कि बच्चों को ये रियलाइजेशन आए कि हाँ वो भी WWE इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो जो बेल्ट जिसको उन्होंने आज तक केवल टीवी पे देखा है, वॉच्ड ओनली ऑन टीवी, दे कैन गेट इट। And we have an excellent example here in the form of Sauhardh that he has won it and he's so proud of it. I think this would set all the kids in this country that yes, they can also get this belt. You need to have that passion and sometime maybe they also can aim to get into the ring. प्लैनेट एम द्वारा आयोजित WWE चैंपियनशिप टाइटल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब प्लैनेट एम हर तीसरे महीने में इसी तरह प्रतियोगिता का आयोजन देश भर में करने की योजना बना रहा है।
पकड़ के रख पीछे।